हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब वीडियो के लिए अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक ऐप डाउनलोड करना होता है, पिक्सल ऐप। शायद आपके पास हो भी, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पिक्सल ऐप ये वाला ऐप से इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, मैं इसको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ऐसा स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसे में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो है, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना और यहाँ से आपको कलर ले लेना है। यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी पसंद का, जो आप चलेगा। और आप बिल्कुल प्लेन कवर लेना चाहते हैं तो प्लेन ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल में प्लेन कवर ही लूँगा, ठीक है। तो प्लेन कवर लेने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर ब्लू कलर में बना देता हूँ इसको। तो ब्लू कलर ले लेता हूँ मैं, ये हैगा ब्लू कलर। और अगर आप यहाँ से भी पसंद नहीं आए तो आप इधर को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये मैंने सेट कर लिया। उसके बाद सिंपल आपको इसको राइट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे ये थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जाना है इमेज साइज पर, ठीक है। इमेज साइज पर जैसे ही जाएंगे यहाँ से कस्टम लिखा हुआ मिलेगा, इस पर कस्टम पर कर देना क्लिक। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना साइज यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल पे ओके करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये यूट्यूब वीडियो के हिसाब से थंबनेल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनानी है उसके टाइटल लिखना है। मतलब कि इतना याद रखें कि टाइटल जो भी लिखें सिर्फ दो या तीन लाइनों में लिखें, मतलब कि दो तीन लाइनें ऐसी लिखें जिससे आपकी वीडियो का पूरा मतलब समझ में आ जाए कि हाँ इस बंदे ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, ठीक है। जैसे मुझे ये वीडियो बनानी है थंबनेल कैसे बनाए, तो मैं लिख लेता हूँ थंबनेल, ठीक है। मैं बनाता हूँ हाउ टू मैक, तो इसको मैं बड़े इसमें ले लेता हूँ कैपिटल में, हाउ टू मैक यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। तो इतना मैंने ले लिया। उसके बाद फिर से मैं प्लस के निशान पर ओके करूँगा, यहाँ से ले लेता हूँ यूट्यूब वीडियो, लास्ट में मैं कर देता हूँ थंबनेल, ठीक है। थंबनेल, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे ए वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके इधर आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शंस मिल जाता है, फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेना। फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे क्लिक करेंगे तो एक मेमो फ़ॉन्ट, इस मेमो फ़ॉन्ट पे क्लिक कर देना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है। सभी में तीन जो लाइनें लिखी हैं, मैं तीनों में ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है मेमो फ़ॉन्ट को, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट होता है थंबनेल के हिसाब से। उसके बाद ये देखिए, मैंने तीनों में मेमो फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद हमें चले जाना है साइज में, तो मैं साइज देख लेता हूँ, यहाँ पे ये साइज आ गया। तो यहाँ पे साइज आपको कितना रखना है वो हिसाब से सेट कर लें, ठीक है। तो तीनों को मतलब अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो अभी देखिए, अभी मेरे हिसाब से ये अच्छे से सेट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूँगा, क्योंकि ये देखिए अब मुझे थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है। अब आपको क्या करना है, अभी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल आपको अब जाना है यहाँ से बैकग्राउंड में, तीनों पे बैकग्राउंड लगा देना है। तो जैसे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अलग अलग कलर ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, येलो कलर लेने के बाद तो यहाँ को लाइनें सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे अपने हिसाब से, जितनी घटानी बढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको छोटा कर लेंगे, मतलब कि अपने हिसाब से इसको जब जाएंगे यूज़ करेंगे तो खुद पता चल जाएगा। इस हिसाब से आपको सेटअप कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट में जाएंगे तो यहाँ से एक देखेंगे कि लास्ट में अगर जैसे हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो हमारे जो भी है बैकग्राउंड का उसके कोने, मतलब कोने जो है वो गोलाई में बदलने लगेंगे, मतलब कि देखने में स्टाइलिश लगने लगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपने तीनों फ़ॉन्ट पे अलग अलग
कलर में वो लगा लेना है। ठीक है, तो मैं इस पे एक कलर ले लेता हूँ, इस पे मैं ले लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, तो इसमें मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक तो ठीक नहीं लग रहा। तो फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से, ये ठीक है, इसको मैंने इस पे ले लिया है। अब इसको भी आपको यहाँ से अपने हिसाब से लाइनें सेटअप कर लेनी है। इसी हिसाब से आपको इसकी भी लाइनें सेटअप करने के बाद तीनों फॉन्ट ठीक है, इसकी भी अब यहाँ से कोने गोल कर लेने, ये देखिए ठीक है हो गए। उसके बाद इसको भी कर ही लेना है। ठीक है, तो अभी मैंने इसके चारों कोने गोल कर दिए। उसको भी मैं गोलाई में बदल दिया। ठीक है, अब इस हमें क्या करना है, इसको अपने हिसाब से सेटअप कर लेना है, अच्छे से रख लेना है, जो कि देखने में भी ठीक लगे। और ठीक है, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगने लगा है, इसको थोड़ा सा मैं ये नीचे वाला जो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। अभी मुझे इस हिसाब से ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हमें जाना है लास्ट में, यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शंस मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हमें स्ट्रोक कर देना है ऑन, और ऑन करने के बाद एक एक पॉइंट बढ़ा देना है। तो ये देखिए, अभी जितने भी नंबर थे वो काफ़ी अच्छे से दिखने लगे हैं। जैसे ही मैंने स्ट्रोक बढ़ाया, नंबर भी बहुत ही आसानी से दिखने लगे। सिंपल, आप यहाँ पे अगर कोई कलर लगाना चाहते हैं इस नंबर के फॉन्ट में, तो यहाँ पे कलर भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल मैं ऐसे ही करता हूँ, तो मैं कलर नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक पे ही लगा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से कलर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं कवर में इतना ये कलर रहने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगने लगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज में, छोटा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने फ़ोटो की PNG बनानी है एक, जो जो कि जिससे कि आपको पता चल जाए, मतलब कि अगर आप अपने थंबनेल पे कोई भी फ़ोटो लगाते हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी वीडियो को कोई भी अगर रेगुलर देखता है तो पहचानने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो इसके लिए मुझे, मैंने PNG बना रखी है अपनी फ़ोटो की, तो PNG ले लेता हूँ। अगर आपको PNG बनाना नहीं आता, तो आप YouTube वीडियो में सर्च कर सकते हैं, और वहाँ से PNG कैसे बनती है उसको सर्च देख लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये इसकी ऑलरेडी एक फ़ोटो PNG कर रखी है अपनी, तो मैं इसको सेट कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं सेटअप कर देता हूँ यहीं पे। देखिए, मैंने इसको सेटअप किया, उसके बाद यहाँ पे चले जाना है इस वाले इंसान पर, और यहाँ से भी आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से स्ट्रोक करके आउटलाइन ऑन कर देनी है, और आउटलाइन थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ये आप चाहें तो येलो कर सकते हैं, पहले तो मैं यहाँ पे येलो ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें येलो मैच भी करेगी। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक एरो लगाने की ज़रूरत है। तो एरो के लिए आपको क्या करना है, एक एरो डाउनलोड कर लेना है कोई भी। तो मैं एक एरो डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ से। एरो सिंबल, ठीक है, जैसे ही आप कहीं भी सर्च करेंगे गूगल पे, आपको काफ़ी सारे एरो सिंबल मिल जाएंगे। अगर आपको
नहीं करने आते तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है, इसलिए मुझे एरर ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए क्योंकि मेरा मुझे 1.5 GB मिलता है पर डे, बहुत मेरा डेटा यूज़ हो चुका है इसलिए मुझे यहाँ पे दिक्कत होगी। तो एरो आपको डाउनलोड कर लेनी है, आपको मिल जाएंगे वहाँ से। तो एरो शायद मेरे पास पड़ी होगी, मैं वो देख लेता हूँ और यहाँ से लगा देता हूँ कि। तो अभी मैं एरो देख लेता हूँ कोई। तो ये देखिए, ये मेरे पास एरो पड़ी हुई है, इसको मैं ले लेता हूँ। और सॉरी, ये एरो मेरे पे काम भी नहीं करेगी क्योंकि ये PNG में नहीं है। दूसरे देख लेता हूँ फिर। शायद मेरे पास कोई एरो नहीं है। अगर आपके पास कोई एरो नहीं है तो कोई नहीं, आप एरो ना लगाएं चलेगा, लेकिन मैं एरो लगाता था इसलिए। ठीक है, मैं इसको एक बार ट्राई कर लेता हूँ एरो लगाने के लिए। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको बैकग्राउंड अरेंज कर देना। और अरेंज करेंगे तो इससे थोड़ा सा पीछे का गायब तो हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल फिर भी नहीं गायब हो गया, इसलिए लगाना ठीक नहीं है। मैं इसको डिलीट मार देता हूँ और ऐसे ही अच्छा लग रहा है काफ़ी मुझे थंबनेल। जी देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि मेरी YouTube वीडियो का थंबनेल काफ़ी अच्छा बन गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।